विश्व फुटबॉल दिवस के अवसर पर मगध फुटबॉल एकेडमी जहानाबाद द्वारा समारोह पूर्वक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला मुख्यालय के गांधी स्मारक इंटर विद्यालय वीटी स्कूल खेल मैदान पर आयोजित कार्यक्रम में थल सेना के कप्तान रवि रंजन, राम कृष्ण परमहंस विद्यालय के डायरेक्टर भोला जी, मोहम्मद तारिक, राधे श्याम शर्मा, सुशील कुमार, प्रोफेसर अजय कुमार, सुगांव टीम के उपेंद्र कुमार, राजकुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर फुटबॉल के सम्मान में फूल अर्पण करते हुए खेल को एक साधना बताया। इस अवसर पर एकेडमी द्वारा प्रशिक्षित किए जा रहे गर्ल्स एवं बॉयज खिलाड़ियों को संयुक्त रूप से बनी सरदार सिंह फुटबॉल टीम बनाम सुनील छेत्री फुटबॉल टीम के बीच प्रदर्शनी मैच खेला गया। खेल की शुरुआत अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया, साथ ही कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित विश्व फुटबॉल दिवस पर मगध फुटबॉल एकेडमी द्वारा आयोजित कार्यक्रम से मगध क्षेत्र में फुटबॉल खेल को एक नया आयाम मिलेगा। मैच में दोनों टीम एक दूसरे पर लगातार आक्रमण करते रही, एक दूसरे को गोल करने का कई मौका मिला। इसी बीच मध्यांतर के पहले 0-1 से सुनील छेत्री फुटबॉल टीम बढ़त बना ली थी, जो मध्यांतर के बाद गोलू कुमार द्वारा एक और गोल कर 0-2 से विजेता बन गई। कार्यक्रम का संचालन करते हुए एकेडमी के चेयरपर्सन राजीव कुमार रंजन ने कहा कि फुटबॉल दिवस पर कार्यक्रम आयोजित कर फुटबॉलर का नया जनरेशन तैयार करने का संदेश दिया गया है। इसके लिए गर्ल्स एवं बॉयज युवा खिलाड़ियों को विधिवत एकेडमी में नामांकन कराकर फिटनेस के साथ कैरियर बनाने की सोच रखनी चाहिए। इसके लिए सरकारी एवं निजी विद्यालयों को जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है और अपने विद्यालय के नाम टीम गठित करनी चाहिए। मैच रेफरी के रूप में राजेश कुमार, धीरेंद्र सिंह, घोसी टीम के गौतम कुमार एवं राहुल कुमार शामिल थे। इस मौके पर टेकन यादव, रामेश्वर सिंह, मुकेश कुमार, मोहम्मद नसरुद्दीन उर्फ झुन्नू उपस्थित थे। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज़ के लिए।